नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। बीनागंज के वार्ड क्रमांक 12 में स्थित एक किराने की दुकान में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। संचालक का कहना है कि वह दुकान पर बैठा हुआ था, तभी एक व्यक्ति शराब पीकर आया और सामान मांगने लगा। मना करने पर उसने गाली गलौज एवं मारपीट कर दी। इस घटना की रिपोर्ट उन्होंने बीनागंज थाने में जाकर लिखाई है और उन्होंने मांग की है कि आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। किसने तोड़ा फोड़ी करी है, कब हुई है वारदात? एक व्यक्ति आया था अभी दुकान पे, दारू पिए हुए था, नौजवान लड़का ही था और वो आके सामान मांगने लगा। मैंने उसको सामान दे भी दिया, मिर्ची मसाले का मसाला पैकेट था, लगभग मात्र 20 रुपए का पैकेट था। वो उसने ले लिया और लेने के बाद कहने लगा मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ। मैंने कहा भाई साहब उधार नहीं हो पाएंगे, जो है आपको दे दो। उसने कहा नहीं नहीं दे रहा हूँ, तो ये दिखे सो कर ले। मैंने कहा भाई दे दो। मैंने उसके हाथ भी जोड़े और उसने मैंने उसके पैर भी छुए, लेकिन उसने इसके बाद भी पैसे नहीं दिए और दादागिरी बताने लगा, गाली देने लगा। तो मैंने अपने बचाव के लिए उससे मना किया, भाई गाली मत दे, मैंने सामान दिया, पैसे मांग रहा हूँ। इसके बाद भी उसने एक नहीं सुनी और उससे हाथापाई चालू कर दी। तो हाथापाई में आप देख सकते हैं ये कोड़ करी और फिर मैं पुलिस चौकी भाग कर गया चौकी प्रभारी महोदय को अवगत कराने। तो इसके इतने वो यहाँ से भाग गया, चला गया। अपरिचित व्यक्ति है, सूरज जानते हैं बस, उसकी नाम पता वगैरह पता नहीं है। कुछ लोगों से पूछने में पता चला है कि वो मनोज मीना न्यांद्री नाम से बता रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ का है, न्यांद्री कहाँ की और कहीं का है।